अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑफिशियल में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपके साथ आज की जो मैं रेमेडी शेयर करूंगी उसके साथ 100% जो है ये मेरी गारंटी है आपके स्किन के ऊपर जितनी भी जो है वो रिंकल है, दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे। स्पेशल जो चाइयाँ दूर करने के लिए एक ऐसा तरीका जिसके साथ जो है वो आपकी चाइयाँ तकरीबन 15 दिन के अंदर परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी। ये जो है बहुत अच्छा तरीका है। ये ग्लैसरीन आपको पता है किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ग्लैसरीन जो है हमारी स्किन के जो है पोर्स है उसको क्लोज करने में बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छी यूज़ होती है। ये जो है इसकी कीमत है 100 रुपीज़। आपको बगैर जो है इतना ज़्यादा पैसा खर्च किए आप अपनी चाइयाँ ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास टमाटर है। टमाटर का आपको पता है कि टमाटर के कितने फ़ायदे हैं हमारे स्किन के, जो डल स्किन है उसको रिमूव करने में टमाटर बहुत अच्छा है। सो आपके सामने मैं आज की जो रेमेडी बनाऊंगी वो 2 इन चीज़ों के साथ बनाऊंगी। किस तरीके से आपने यूज़ करना है और आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए, कैसे आपने अपने चेहरे के ऊपर जो है इसको यूज़ करना है। अपने हाथ और पाँव को साफ़ करने के लिए आप ग्लैसरीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ मिक्स करें कि आपके हाथ और पाँव साफ़ हो जाएंगे, वो भी आज की रेमेडी में आपको बताऊँगी। सो शुरू करते हैं इससे पहले कि वीडियो लंबी हो। ये देखें, ये लिया हमने सादा बोल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लैसरीन। ग्लैसरीन हमने जो है वो कितनी लेनी है, तकरीबन हमने अपने इस्तेमाल के मुताबिक लेनी है। अगर आप जो है इसको आप बना के ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती हैं, इसको आपने जो है बनाना है 2 दिन यूज़ करें, उसके बाद जब 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है फिर आप नहीं बना लें। ये मैं इसी में ऐड कर रही हूँ ग्लैसरीन। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, इसको हम करेंगे कट क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। ये हो गया हमारा टमाटर कट। ये जो है मैं साइड पे कर लूँगी, इसको जो है मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, जितने भी टमाटर के जो बीज हैं वो मैं निकालूँगी इसके अंदर। और ऐसी तीसरी चीज़ कौन सी ऐड करें कि जिसके साथ जो है वो हमारे जितने भी स्किन के ऊपर चाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जैसे ये मैं निकाल रही हूँ, आपने 1 बाय 1 ऐसे ही निकालना है। ये जो है मैं इसके अंदर से सारे जितने भी टमाटर के बीज हैं, टमाटर का जो पानी है वो इसके अंदर निकाल रही हूँ। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने आपके फेस के ऊपर जो चाइयाँ हैं उसके अलावा जो दाग धब्बे हैं वो दूर होंगे। इसके अंदर से कौन सी चीज़ तीसरी जो ऐड करेंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल खाली हो गया, जितना भी था वो मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिया। अब जो हम ऐड करेंगे ये अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोकोनट ऑयल। इसका तो आपको पता है, मैं ज़रा आपको इसका कोकोनट की ओर का रिव्यू बता दूँ। कोकोनट ऑयल के जो फ़ायदे हैं स्किन के लिए वो पता है बहुत अच्छे हैं। स्किन को सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट जो सीरम प्रोवाइड करता है कोकोनट ऑयल प्रोवाइड करता है। आप कोई भी अगर सीरम नहीं यूज़ करना चाहती, किसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर कोकोनट को अप्लाई करके सो सकते हैं। बहुत अच्छा कोकोनट ऑयल है, इसको एज आ सीरम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है वो बताऊँगी। अब जो है इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के हमने कम बहुत ही कम क्वान्टिटी में यूज़ करना है। ये मैंने ऐड किया, अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कुछ इस तरीके से। जितना भी टमाटर का मवाद है इसको अच्छे तरीके से हम पीसेंगे। पीसने के बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास टमाटर का ये वाला पीस था ये हमारा वेस्ट ना हो, हम इसको कट करेंगे कुछ ऐसे। ये देखिए इस ये जितना भी मवाद था ये हमारा खाली हो गया, इसको हम साइड पे रख देंगे। फिर हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे फेस के ऊपर चाइयाँ हैं या दाग हैं हमने इसके अंदर जो है वो अप्लाई करना है। ये देखें, सॉरी इसको डिप करना है इसके अंदर,
और इसका अप्लाई कहाँ करना है, जहाँ आपकी चाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ये देखें कुछ इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। नज़र आ रहा है क्लीन? सॉरी कैमरा यहाँ से थोड़ा ब्लर हो गया, ये देखें ऐसे थोड़ा जूसी फॉर्म में करने के बाद 15 से 20 मिनट आपने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने इसको सादा पानी से धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है, अपनी स्किन के ऊपर डायरेक्ट जो है कोकोनट ऑयल जो है वो अप्लाई करना है। स्किन को साफ़ किया, उसके बाद जो है वो आपने कोकोनट ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो। कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करके आपने ओवरनाइट लगा रहने देना है, आपकी स्किन बहुत अच्छी नज़र आएगी। दोबारा फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो आप इसको अपने हाथ और पाँव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें वो चीज़ जो नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मेरी यही कोशिश है आपके तक मैं वही शेयर करूँ। अपने हाथ पाँव के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो चाइये हैं उसके लिए बेहतरीन चीज़। सो ये थी हमारी आज की रेमेडी, बहुत ईजी रेमेडी। देखिए ये चीज़ें जो हैं अगर आप एक दफ़ा मार्केट से ख़रीद लेते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो बार बार पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। बहुत अच्छा जो है तरीकाकार मैंने आपके साथ शेयर किया, बजाय इसके कि आप अपनी चाइयों को लेके बड़ी बड़ी जो है वो क्रीम यूज़ करें, आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आपको जो है वो ना पसंद आई, रिज़ल्ट ना मिला, तो आप बेशक जो है वो मेरे जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। 100% इसकी गारंटी है। इसको लाजमी 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 मेरे कहने पे इस्तेमाल करें, स्पेशली जिनके फेस के ऊपर चाइयाँ हैं। मुझे अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी हस्पाफिशियल को। इससे पहले कि आप मैं जाऊँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेचुरल रेमेडी आपके साथ शेयर की है, कोई भी इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई हो। मुझे अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।